पीडब्ल्यूडी विभाग से ये घोटालों का शोर कैसा। महाराष्ट्र के मुंबई का सबसे बड़ा घोटाला पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या प्योर वेस्ट डिपार्टमेंट, बार बार हो रहे घोटालों का सरताज कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज, में प्रीति शर्मा आपके साथ। कहते हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। बता दें कि आपको कि सरकार के लोग ही सरकार और आम जनता का नुकसान कर बैठते हैं। बड़े विश्वास के साथ सरकार और जनता दोनों ही सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से पूरे काम की उम्मीद करते हैं। हर विभाग को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन ये सरकारी नुमाइंदे करोड़ों के घोटाले के नीचे इतना दबे हुए हैं कि उनको विकास और जिम्मेदारी का भार उठाना मुश्किल हो रहा है। साफ शब्दों में कहें तो सरकार के नुमाइंदे ही सरकार और जनता के लिए आस्तीन का सांप बनकर बैठे हैं। अब ऐसे में लाजमी है कि जनता की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। अब आखिर क्या सरकार, क्या जनता उन सरकारी नमूनों पर कैसे विश्वास करेगी। नेताओं की बात तो हर कोई करता है, लेकिन इन सरकारी नुमाइंदों का आखिर कोई क्या करे जो सरकारी ऑफिस में बैठ कर घोटाले और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। जी हाँ, दरअसल ये बात महाराष्ट्र के मुंबई के पीडब्ल्यूडी विभाग की है, जहां पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर ने सरकारी मापदंडों को ठेंगा दिखा दिया और ये मामले अक्सर ही उनके सामने, हमारे सामने आते रहते हैं। पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। मुंबई के पीडब्ल्यूडी विभाग से ये शोर कैसा। बात उस पीडब्ल्यूडी विभाग की है जहां से ये लगभग सारे कामों में गड़बड़ी और घोटालों का शोर सुनाई दे रहा है। विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर ने सरकारी मापदंडों को ठेंगा दिखा दिया है। निधियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, काम ना करते हुए बिल अदा किए जा रहे हैं, ठेकेदार से सांठगांठ और नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें भुगतान किया जा रहा है। रेजिडेंसी डिवीजन को राज्य सरकार संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अनुदान आता है और इसी अनुदान से ही ये काम होते हैं, लेकिन ये विभाग निधि का गबन करने में माहिर होता जा रहा है। बता दें कि 2 साल पहले भी कार्यकारी अभियंता स्वामी दास चौबे द्वारा ये गड़बड़ी पाई गई थी। आखिर इन सब फेक कामों को बढ़ावा किसके संरक्षण में दिया जाता है। यहाँ पर कई तथाकथित पत्रकार खुद को मंत्री महोदय के करीब बनाने के लिए हमेशा सिटी नाइक और नांद्रेकर के केबिन में पाए जाते हैं। विभाग में हुए सभी गुणवत्ता और कामों की आईआईटी मुंबई में जांच होनी चाहिए। लिहाजा घोटाले के मास्टरमाइंड नांद्रेकर के सभी फोन कॉल्स की जांच होनी चाहिए। फोन कॉल से सभी कारनामे उजागर होंगे। रिश्वत लेने और देने में तो नांद्रेकर माहिर है। बता दें कि विभाग के नाइक और साथी कंपनी के सभी काले कारनामे छुपाने की बड़ी जिम्मेदारी नांद्रेकर साहब को ही दी जाती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नांद्रेकर ने पहले ठाणे विभाग में भी सभी इसी तरह के काम करके सरकारी संपत्तियों का गबन किया है, जिनकी आईआईटी मुंबई से कामों की जांच की जाए। बता दें कि एमएलए मंत्री महोदय की मकान और दफ्तरों में किए गए कामों की भी जांच होनी चाहिए। इस विभाग में अनेक तथाकथित ठेकेदार हैं जो खुद को पत्रकार समझते हैं और जो पत्रकार हैं वो खुद को ठेकेदार समझते हैं, इसलिए जो भी काम है इन सब की जांच होनी चाहिए। बताना जरूरी होगा कि विभाग में पहले भी गड़बड़ी के कई बड़े घोटाले के मामले सामने आए थे, जिसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ियां पाई गई थी। एक ही विभाग के टेंडर बनते हैं, काम ना करते हुए अनेक कामों का बिल अदा किया जाता है। ये अत्यंत गंभीर विषय है। इस विभाग में पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इसमें कई अधिकारी इंजीनियर दोषी पाए गए हैं, करने से बाज नहीं आ रहे। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि विकास तो हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों में। जमीनी हकीकत की बात करें तो मसला कुछ और ही निकल कर सामने आता है। बता दें कि नांद्रेकर साहब के कार्यकाल में जितने बड़े लेवल का घोटाला हुआ है, काम उतने ही घटिया और छोटे लेवल का हुआ है। अब आखिर सवाल ये उठता है कि सरकार से आने वाला करोड़ों रुपया आखिर गया तो कहां गया। आखिर
जनता जवाब चाहती है कि अधूरे कामों के पूरे बिल देने का टैलेंट आखिर वो कहां से लाते हैं। नांद्रेकर साहब, क्या आपको इन सब चर्चाओं के बारे में सच में सुनाई नहीं दे रहा या फिर आप जानबूझकर गहरी नींद में सोने की एक्टिंग कर रहे हो? लिहाजा अपनी काले कारनामों में पत्रकारों से लेकर ठेकेदारों तक को भी शामिल करना और करोड़ों के पैसे उठने के बाद भी विकास लाचार और सड़के सूनी बेबस नजर आना, अधूरे काम के पूरे बिल देना, अब ऐसे में कई सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार इन पर क्या कार्रवाई करती है, और ये पता भी लगाना चाहिए कि इस घोटाले की पूरी फिल्म का आखिर विलन है कौन। जिस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग में काम में नाकाम और घोटालों में सबसे महारथी लोग शामिल हैं, तो मानो उसे हम पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के बदले प्योर वेस्ट डिपार्टमेंट भी अगर कह दे तो कहना गलत नहीं होगा। हालांकि ये घोटाला लंबे समय से हो रहा था, लेकिन घोटालों की ये आग मात्र चिंगारी की तरह लग रही थी और काम ना मिलने पर ठेकेदार और जनता के विरोध के शोर सुनाई नहीं दे रहे थे। लेकिन अब ये मामला सरकार और जनता की नजर में आ चुका है, विरोधियों के सुर उठने लगे हैं और ऐसे में जरूरी होगा कि हम सबके साथ हो रही ज्यादती और भेदभाव को उजागर करें। ये मामला अब तूल पकड़ने वाला है। क्या ठेकेदार, क्या जनता और क्या करोड़ों के घोटाले का ये सच? हालांकि पूरी जांच तो आईआईटी मुंबई से करने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इन सभी के बारे में हम लगातार तहकीकात करते रहेंगे। मामले पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और मामले से हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप लगातार देखते रहिए एमकेएन न्यूज़, क्योंकि हम हैं सच के साथ, सच की बात।